दोस्तों स्वागत है आपका प्रवक्ता न्यूज़ नेटवर्क में। आज सुबह से ही एक मैसेज व्हाट्सएप पर तेज़ी के साथ गर्दिश कर रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अरशद जमाल को टिकट मिल सकता है घोसी लोकसभा 70 का। अब इस मैसेज की क्या हकीकत है, अरशद जमाल से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमें तो इसके बारे में कोई अभी तक जानकारी नहीं है, तो ये सूत्रों के हवाले से एक सुगबुगाहट है और हो सकता है कि ऐसा भी हो भी जाए और ऐसा न भी हो, ये भी मुमकिन है। लेकिन कयासी बात पर हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये हमारी समझ से परे है। लेकिन अरशद जमाल से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये अभी अनऑथेंटिक है और हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। तो बाण कृष्ण चौहान की जहाँ तक, वो भी एक सीनियर लीडर थे बीजेपी के और 1999 में यहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा था, चुनाव जीत गए थे बसपा से। और अब उनको सुनने में आ रहा है कि आज़मगढ़ में जो भीम राजभर हैं उनका टिकट काट के आज़मगढ़ से इन्हें भेजा जाएगा, अरशद जमाल को यहाँ पर टिकट दिया जाएगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या वाकई ऐसा होता है, और अगर ऐसा हो गया तो सारे समीकरण बदल जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो इसका कारण और कुछ भी नहीं है इसके सिवा कि अरशद जमाल रिकॉर्ड वोटों से उत्तर प्रदेश में चेयरमैनी का चुनाव जीते थे। खैर, आप इस सिलसिले में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा।